कल से पंजाब पुलिस ने एक मेजर अभियान चलाया हुआ है, जिसमें अमृतपाल सिंह जो है उसकी अरेस्ट के लिए पूरी कार्रवाई करी जा रही है। और जो उसके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं और कुछ उसके साथी हैं, उनमें से काफ़ी कुछ अरेस्ट किए गए हैं। अभी भी आज के दिन भी पुलिस जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे जो है गजटेड ऑफिसर्स, साथ में हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री की कंपनीज़ हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कंपनीज़ हैं हमारे को हेडक्वार्टर से मिली हुई हैं पंजाब पुलिस की, वो सारी की सारी जो है हम लेकर के और पूरे इलाके के अंदर अपनी फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, तलाशी अभियान कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिलती है कि कोई भी ऐसे कोई सपोर्टर हैं या लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब लोगों के ऊपर जो है हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और जहां हमें लगता है कि कोई वायलेशन हो रहा है, 144 CRPC के ऑर्डर्स हैं कि 5 से या उससे ज़्यादा कहीं भी लोग बिना परमिशन के और उसके इकट्ठे होते हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग सख्ती बरत रहे हैं, उनकी अरेस्ट करी जा रही है। और मैं आम लोगों से ये आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से जो है पंजाब के अंदर और हमारे रेंज के अंदर शांति बनी हुई है। किसी भी किस्म का कोई भी जो है आवाजाही के अंदर हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे आम एक्टिविटीज़ हो, कहीं भी किसी किस्म का विघ्न नहीं पड़ा हुआ है। और पूरी तरीके से जो है पुलिस इज़ लुकिंग आफ्टर द सिचुएशन, और इस अमन शांति को बहाल करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं और बाकी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। सर, कुछ लोग राउंड अप भी किए गए? देखिए, काफ़ी लोग हम लोगों ने राउंड अप किए हैं। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि ऐसे कोई भी एक्टिविटी चल रही है जहाँ पे कि पीस डिस्टर्ब किया जा सकता है, लोग बाग जो है आवाजाही रोकने के लिए या धरना प्रदर्शन या 144 का वायलेशन करेंगे या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब परिस्थितियों के अंदर हम लोग उनको अरेस्ट कर रहे हैं। सर, लुधियाना का कुछ एरिया कहीं ना कहीं नकोदर या जलंधर के साथ जुड़ता हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो अमृतपाल है वो उस एरिया से फरार होकर इस एरिया में आ सकते हैं। तो इस चीज़ देखो, इस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं, हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं इस बारे। और जो ब्रिज है, जो हमारे यहाँ पे 2-3 ब्रिजेज हैं, यहाँ पे एक नवा शहर खन्ना के बीच का एरिया है माछीवाड़ा की तरफ, और दूसरा जो है यहाँ पे सिधवा बेट का ब्रिज है, ये सारे के ऊपर हमारे गजटेड ऑफिसर्स डे नाइट शिफ्ट बना करके चेकिंग कर रहे हैं। और हमारा ये एक तरीके से मेन एम रहेगा कि किसकी जल्दी से जल्दी। तो ये विलेज है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ है, गोपा राय कला है, जिहड़ा कि जगराओं पुलिस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये साढ़े दाखा के DSP साहब कल तो लगे हुए, इतने कुछ एक जथेबंदी है जिहड़ी कि जो रिलीजियस जथेबंदी ने ग्रुप है, जिहड़ा कि इतने कल तो एजिटेशन करन दे विच बार बार जिहड़ा उन्हां दी इत्तला मिल रही सी, और उस कड़ी दे विच अज भी असी पहले उन्हां नाल समझाइश की, कल पूरा शाम वेले उन्हां नूं मना करके और इतों भेज दिता गया सी, और एश्योरेंस मिली सी। जदों अज फिर सानूं पता चलिया कि वो आ करके प्रोटेस्ट करना चाहुंदे आ और 144 दी वायलेशन करनगे, उस कड़ी दे विच साडे वल्लों करीब 15 दे करीब इन्हां दे जो जथेबंदी दे मैंबर सी उन्हां नूं प्रिवेंटिव अरेस्ट विच लिया गया है, और उन्हां नूं अज SDM साहब दे कोल आफ्टर अरेस्ट पेश किया जाएगा। जिहड़ा कोई आदेश होगा उस तों बाद उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितों अरेस्ट इसी पिंड तो अरेस्ट हुए हैं, जिहड़ा बोपर राय कला है, और इसीलिए असी जिहड़ा हुण आकर के इस पिंड दे विच एक बार अपना फ्लैग मार्च भी करते पए हैं और मैसेज देना चाहते हैं, और असी सारे नाल गलबात भी कर रहे हैं जो कोई भी जिहड़े बंदे हैं कि किसी किस्म की भी वायलेशन ना करन, और अगर जे करनी पाई गई तो पुलिस वालों उन्होंने अरेस्ट किया जाएगा और प्रिवेंटिव कस्टडी। सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है? देखो, सर्च अभियान जिथे जिथे सानूं पता चलता है कि कितने भी कोई शक्की चीज़ है या एक्टिविटी है, उस जगह पर असी जिहड़ा है पिंडां दी सर्च भी कर रहे हैं, कॉर्डन सर्चिज भी करेंगे।